सो हेलो यार भाई लोग, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग स्टेपन एनएफटी बाय करके डेली 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक अर्निंग करने वाले हो। जो भी अर्निंग करोगे आप लोग उसे इंस्टेंट उडल भी कर सकते हो। इस वाले वीडियो पे आप लोगों को स्टेपन एनएफटी के बारे में A to Z ऑल प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ तो भाई लोग, अब शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का प्रॉफिट बस इतना है, आप लोगों का नया लोड, कोई लोड का अपडेट या फिर कोई भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आता है ना, देन आप लोगों को सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए मोस्ट मोस्ट आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं करता है देन आप लोग डायरेक्ट आ जाना टेलीग्राम पे, सर्च कर लेना टाइगर वार्स। जैसे सर्च करोगे हमारे चैनल आ जाएगा, आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ तो भाई लोग, अब शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो। हाँ तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 6 पॉइंट के साथ समझाऊंगा। पहला पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग स्टेपेन पे कैसे अकाउंट क्रिएट करोगे। सेकेंड पे बताऊंगा आप लोग स्टेपेन पे कैसे मनी डिपॉजिट करोगे। थर्ड पे बताऊंगा आप लोग कैसे स्टेपेन एनएफटी बाय करोगे। फोर्थ नंबर पे आप लोगों को बताऊंगा आप लोग स्टेपेन एनएफटी को यूज करके कैसे डेली 2,000 रुपये से 20,000 रुपये तक अर्निंग करोगे। फाइव नंबर पे आप लोगों को बताऊंगा आप लोग जो भी अर्निंग करोगे उसे कैसे उडल करोगे। और सिक्स नंबर पे बताऊंगा आप लोगों के पास जो स्टेपेन एनएफटी रहेगा उसे कैसे सेल करोगे। हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले स्टेपन एनएफटी का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जान लेते, उसके बाद हमारा आज का जो प्रोसेस है हम लोग शुरू करेंगे। हाँ तो भाई लोग, पहले मैं आप लोग पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है ना, अगर आप लोग स्टेपन एनएफटी को 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के बीच में बाय करते हो देन आप लोगों के डेली का अर्निंग होने वाला है 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक। अगर आप लोग 60,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो देन आप लोगों के डेली का रिवॉर्ड मिलने वाला है 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक, वो भी 10 मिनट काम करके इंस्टेंट मिलेगा। ठीक है, 10 मिनट काम करके इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा जिसे आप इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हो। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट क्या है, देखो हम लोग जब स्टेपन का इस्तेमाल करेंगे डेली, ठीक है, हम लोग को मिलेगा उनका टोकन। ठीक है, जिस टोकन का प्राइस अभी के हिसाब से 240 रुपये है और इनका टोकन का प्राइस हाइएस्ट गया था 600 रुपये। ठीक है, अभी के लिए क्रिप्टो मार्केट डाउन है इसलिए टोकन का प्राइस कम है और कम के हिसाब से हम लोग को कम प्रॉफिट हो रहा है। बोले तो 1,500 रुपये से 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगर इनका टोकन का प्राइस इंक्रीज होता है, क्रिप्टो मार्केट जैसे ऊपर जाएगा, हाई जाएगा, तो इनका टोकन का प्राइस इंक्रीज होगा देन हम लोगों को जहाँ पे 1,500 रुपये मिल रहा है हम लोगों को वहाँ पे 2,000, 3,000, 5,000 रुपये देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक आप लोगों को और एक पॉजिटिव पॉइंट बता दूँ। पॉजिटिव पॉइंट क्या आना, देखो आप लोग 50 या फिर 60,000 रुपये दे के जो मनी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आप लोगों को एनएफटी मिलेगा। ठीक है, आप लोग जब मन करे आप उसी एनएफटी को सेल करके आपका जो मनी है ना आप लोग निकाल सकते हो। मान लो आपने स्टेपन एनएफटी को बाय किए और आपने आज 2,000 रुपये का इनकम कर लिए, उसके बाद आपके पास वो स्टेपन एनएफटी रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या करना उसे तुरंत सेल करके आपका मनी निकाल भी सकते हो जितना मनी लगाए होंगे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ तो भाई लो, अब हम बातें कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट के। देखो भाई लो, नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, नेगेटिव पॉइंट है कि मान लो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी भाई 2 महीने से चल रहा है। देखो मतलब ये जो ऑफर चल रहा है ना, मतलब डेली का अर्निंग है ना भाई, ये 2-2.5 महीने से ये चल रहा है, आज तक एंड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन जाता है। मान लो कंपनी एंड हो गया देन हम लोगों का लॉस हो सकता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो, अगर आप लोग करना चाहते हो देन आप अपने रिस्क पे कर लेना। लेकिन भाई लोग, ये क्रिप्टो है और ये मूव टू अर्न का सिस्टमेटिक है। ठीक है, ये मूव टू अर्न का सिस्टमेटिक है। मान लो कंपनी बंद हो गया देन आप अपना एनएफटी का सेल कर सकते हो। अगर कंपनी बंद होता है देन आपके एनएफटी का वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो सेल करके क्या प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो ना। तो अगर कंपनी बंद होता है देन यहाँ पे एक रिस्क बन जाता है, हम लोगों का मनी लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एनएफटी बाय करने के लिए ना, मैं आप लोगों को थोड़ा लेट पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को 2 महीने पहले बताता देन हम लोगों को अब तक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता, हम लोगों को जो अर्निंग होता मंथली हम उसमें और भी एनएफटी ले लेते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी भी अगर आप करना चाहते हो ना देन आप अपने रिस्क पे कर लेना। ठीक है, हाँ तो बोले आप लोग, और एक नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ। देखो अभी के लिए आप लोगों को डेली का 1,500 या फिर 2,000 का अर्निंग हो रहा है। ठीक है, तो इनका टोकन का प्राइस अगर नीचे आता है, क्रिप्टो मार्केट नीचे आता रहता है, अगर इनका टोकन का प्राइस नीचे आता है देन आप लोगों को जहाँ पे 1,500 का अर्निंग होता है वहाँ पे 1,000 रुपये का अर्निंग हो भी सकता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और एक नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ।
देखो, जहाँ से आप लोगों को डेली 12 या फिर 15 या फिर 20 टोकन मिलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को उधर कॉम टोकन भी मिल सकता है। जैसे ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो भाई डेली के ज्वाइन होते रहते हैं, लेकिन जिस ज़्यादा ज़्यादा लोग जैसे ही ज्वाइन होते रहेंगे ना, तो इनका टोकन का प्राइस कॉम भी होता रहेगा, तो हम लोगों को कॉम रिवॉर्ड भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए भाई मोस्ट प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग खतरनाक अर्निंग कर सकते हो। लेकिन भाई लोग जो करना आप अपने रिस्क पे कर लेना। हाँ तो भाई लोग, मैं आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता दिया, जो करना आप अपने रिस्क पे कर लेना। अब शुरू करते हैं हमारे आज के पहला पॉइंट। और एक चीज़ भाई लोग, मैं नेगेटिव पॉइंट पे सॉरी पॉजिटिव पॉइंट पे मैंने आप लोगों को और एक चीज़ छोड़ दिया, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट क्या ना, देखो जो सारे कंपनियां होता है ना, जो क्रिप्टो पे आते हैं कंपनियां, ठीक है, वो उनके रोड में आपके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। देखो ये जो चीज़ बताऊंगा ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी जाएगा, तो भाई ध्यान से पहले देख लो। देखो मैं आप लोगों को स्टेपन का यहाँ पे रोड मैप दिखाता हूँ। देखो स्टेपन एनएफटी जो है ना भाई, इनका स्टेपन एनएफटी नया नया आया था 2021 21 पे आया था, अगस्त के महीने पे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फ्री के एनएफटी दिए, सब कुछ किया। आप लोग यहाँ पे इनका रोड मैप चेक कर सकते हो स्टेपन डॉट कॉम सर्च करके, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इनका चल रहा है क्या, 2022 का क्वार्टर टू चल रहा है, ठीक है। क्वार्टर टू क्या है मैं आप लोग बताता हूँ। देखो इनका अभी चल रहा है 2022 पे क्वार्टर टू चल रहा है, और क्वार्टर टू पे इनका ये जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन सिग्नल, ये यहाँ अगस्त लेकर क्वार्टर टू तक आए हैं, ठीक है। क्वार्टर टू पे इनका क्या हुआ, इनका आप एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन का वॉलेट अपग्रेड हुआ भाई। हाँ इन्होंने क्या क्वार्टर टू पे वॉलेट अपग्रेड किए हैं, और इनका देख सकते हो अप्रैल के महीने पे किए हैं, ठीक है। और उसके बाद मई महीने पे मल्टी चेन वॉलेट अपग्रेड किए। हाँ तो पहले मल्टी चेन वॉलेट भी ये लोग अपग्रेड किए हैं, ठीक है। फिर जून महीने पे ये लोग मल्टी चेन मार्केट प्लेस अपग्रेड करेंगे। तो इनके मार्केट प्लेस के हिसाब से यहाँ पे पता चलता है कि जून महीने तक इनका जो आप ऑफर है ना भाई, ये जो ऑफर अभी चल रहा है ना, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को मेरा एक ओपिनियन दूँ भाई, ये ऑफर देखो मेरा एक खुद का ओपिनियन है कि इन ये जो स्टेपन एन्युटी है ना भाई, ये अभी बंद नहीं होने वाला है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोब टू अर्निंग का सबसे पहला एप्लीकेशन है जो कि डेली का अर्निंग दे रहा है, वो भी इंस्टेंट, और लाखों लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ये अभी बंद नहीं होने वाला है। अगर इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो इतना ज़्यादा भाई अर्निंग क्यों दे रहा होगा हमें, समझ सकते हो ना, ठीक है। हाँ तो भाई लोग क्वार्टर टू की बात कर लेते हैं, ठीक है। देख तो ये अप्रैल पे इनका वॉलेट अपग्रेड किए, और मई महीने पे मल्टी चेन इनका अपग्रेड किए, तो उसके बाद जून के महीने पे मल्टी चेन मार्केट प्लेस अपडेट करेंगे, ठीक है, जो कि एनएफटी का मार्केट प्लेस है, बोलो तो आप लोग जहाँ से बाय सेल करते हो। और देखो हाँ, तो ये चीज़ एक जान लो, 2022 का क्वार्टर टू क्या है। हाँ तो बोलो क्वार्टर टू क्या है, यहाँ पे लिखा होता है। देखो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्वार्टर वन क्या है। देखो जो जनवरी महीने शुरू होता है ना, जनवरी जनवरी मंथ से लेकर मार्च महीने को बोलते हैं क्वार्टर वन। उसके बाद ठीक है, अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक बोलते हैं क्वार्टर टू। उसके बाद क्वार्टर थ्री यहाँ पे देख सकते हो, जुलाई से सितंबर, क्वार्टर फोर यहाँ पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर। और हाँ भाई लोग, इनके रोड मैप के हिसाब से इनका क्वार्टर फोर बोले तो 2023 तक इनका ये जो एप्लीकेशन है भाई, इनके अंदर बहुत सारा अपग्रेड वगैरह आने वाला है, तो इनका ऑफर तो भाई चलता रहेगा, ये अभी एंड नहीं होने वाला है, लेकिन कभी भी एंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉम रिवॉर्ड देगा, लेकिन एंड नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई लोग जो करना आप अपने रिस्क पे करना। हाँ तो भाई लोग, मैंने आप लोग ऑल चीज़ बता दिया स्टेपन के बारे में, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पॉइंट वन, ठीक है। हाँ तो भाई लोग पॉइंट वन शुरू करते हैं। पॉइंट वन पे मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ कि हम लोगों को स्टेपन पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो भाई लोग, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, आप लोगों को स्टेपन एप्लीकेशन एप्लीकेशन का लिंक मैं प्रोवाइड कर लूंगा। आप लोग लिंक पे जाके स्टेपन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर पे आके सर्च कर लेना स्टेपन STEPN एप्लीकेशन आ जाएगा, आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना होगा। देखो भाई लोग, स्टेपन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करना होगा मैं आप लोग बताता हूँ। सिंपल सा स्टेपन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों से इस तरह पेज आएगा। अब आप लोगों को इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपके ईमेल ऐड डाल देना, उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करना। आपके जीमेल अकाउंट पे स्टेपन की तरह से एक 6 डिजिट का नंबर वाला कोड जाएगा, उसी कोड को एंटर कर लेना, देन आप लोग लॉग इन पे क्लिक कर लेना। याद रखो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल होना, वो चीज़ का नोट करके रखना भाई लोग, बिकॉज आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो भाई लोग देखो, आपके ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा एंटर कर लेना, उसके बाद लॉग इन कर लेना। लॉग इन पे जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को स्टेपन का एक इनविटेशन कोड मांगेगा, ठीक है। इनविटेशन कोड नहीं, एक्टिवेशन कोड मांगेगा, जिस एक्टिवेशन कोड के माध्यम से आप लोगों का अकाउंट एक्टिव होगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन कोड आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, एक्टिवेशन कोड आप लोगों को मिलेगा इनके डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। तो भाई लोग, डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा,
आप लोग लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे उनका डिस्कॉर्ड ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट सीधे ट्विटर पे आ जाना, आप लोगों पे सर्च करना होगा स्टेपेन। हाँ तो बोले जैसे स्टेपेन सर्च करोगे आप लोग से यहाँ पे आ जाएगा स्टेपेन पब्लिक बेटा फेज IV, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक है, इधर से भी जा सकते हो, नहीं तो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से भी आप लोग जा सकते हो। हाँ तो बोलो जैसे लिंक को ओपन करोगे डिस्कॉर्ड वाला इस तरह पे जाएगा, एसेट इनवाइट पर आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों से यहाँ पे डायरेक्ट बहुत सारा एक्टिवेशन कोड दिखा देगा, इनमें से एक्टिवेशन कोड एक एक करके आप लोग वहाँ पे एंटर करते रहना। कहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे एक्टिवेशन कोड मांगेगा ना, स्टेपन अकाउंट क्रिएट करते रहें वहाँ पे एंटर करते रहना, ठीक है। कोई एक्टिवेशन कोड अगर ले लेगा देन बढ़िया बात है, नहीं तो फिलहाल के लिए मैं आप लोग बताता हूँ ये वाला जो एक्टिवेशन कोड है ये अभी के लिए देखो। हाँ भाई लोग 12:03 पे ये वाला एक्टिवेशन कोड आया है, अगर आप यूज करोगे तो लगेगा, ठीक है। ये डेली, ठीक है, डेली यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आता रहता है, यहाँ पे मॉर्निंग पे आता है, 8 बजे आता है, एवरी 2-3 घंटा नहीं तो आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन कोड बहुत सारा आता है। आप लोग इनमें से कोई एक्टिवेशन कोड उठा के आपके अकाउंट क्रिएट करते टाइम एंटर कर लेना, देन आप लोगों का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लोगों को एक पिन सेटअप करने के लिए बोलेगा, आप लोग 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का पिन, ठीक है, कोई भी एक पिन सेटअप कर लेना, जो पिन आप लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे ही उडल करते टाइम आप लोगों को पिन पूछेगा, ठीक है। तो पिन सेट कर लेना, सक्सेसफुली आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हाँ तो भाई लोग आप लोगों का अकाउंट सक्सेसफुली इस तरह क्रिएट होकर आ जाएगा। अब आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे एक वॉलेट का सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करना, वॉलेट पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे वॉलेट पे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे एक दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक होगा स्पेंडिंग, सॉरी स्नेम से क्या लिखा है, अच्छा स्पेंडिंग लिखा है वो स्पेंडिंग, उसके बाद दूसरा होगा वॉलेट। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक कर लेना होगा, आपका जो पिन होगा यहाँ पे एंटर कर लेना। हाँ तो बोलो जैसे ही आप अपना पिन को एंटर करोगे आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक होगा इंपोर्ट अकाउंट, दूसरा होगा क्रिएट अकाउंट। तो आप लोग क्या करना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे आप लोगों को 1 से लेकर 12 तक एक फेज की मिलेगा, बोले तो 1 से लेकर 12 तक एक एक करके वार्ड मिलेगा, ठीक है। तो वो जो फेज की है ना आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, उसके बाद कहीं जगह पे स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना होगा। उसके बाद वो जो फेज की है उसे एक एक करके कोई पेपर पे लिख लेना, नहीं तो आपके मोबाइल के नोट पे भी लिख लेना, 2-4 जगह पे आप अपने फेस की को नोट करके रख लेना। क्योंकि ना मान लो आपका स्टेपन एप्लीकेशन डिलीट हो गया, जब आप ना दोबारा स्टेपन एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे उसके बाद आपका उसी फेस की के माध्यम से अपना अकाउंट को पा सकोगे, ये चीज़ का ध्यान रखो। इसलिए अपना जो फेस की मिलेगा उसे कहीं जगह पे सेव करके रख लेना फोटो, साथ ही साथ उसके बाद वो जो फेस की है कहीं जगह पे लिख भी रख लेना 2-4 जगह पे, ठीक है। हाँ तो भाई लोग उसके बाद आप लोग क्या करना, नेक्स्ट करना, आप लोग बोला जाएगा आपका जो फेज की 1 से लेकर 12 तक था उसे सही से सजा लो, देन आप लोगों का अकाउंट सोशली क्रिएट हो जाएगा। हाँ तो भाई आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लोगों से इस तरह भेजेगा, आप लोगों का यहाँ पे ऑल जगह पे 0-0-0 से होगा, ठीक है। हाँ तो भाई लोग अब आप लोगों का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये था हमारे आज के पॉइंट 1। अब मैं आप लोगों को पॉइंट 2 बताऊंगा। पॉइंट 2 पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग इसी स्टेपेन अकाउंट पे कैसे सोल टोकन डिपोजिट करोगे, बोले तो मनी डिपोजिट करोगे। पहले आप लोग सोच लो कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट आप लोग करने वाले हो। देखो भाई लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 12 सोल, ठीक है, 12.3 सोल से ज़्यादा का, बोले तो 52,000 रुपये से ज़्यादा का। अगर आप लोग 52,000 रुपये लगाते हो देन भाई लोग आप लोगों का कम रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है, कम रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम 14.5 सोल यहाँ पे आप लोगों को चाहिए, 14.5 सोल, ठीक है, जो कि भाई 62,000 रुपये से ज़्यादा का अभी के हिसाब से पड़ रहा है। आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सर्च करना होगा क्रोम ब्राउज़र पे आके CoinGecko, इसे CoinGecko सर्च करोगे ना आप लोग से कुछ इस तरह पे जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे सर्च करना होगा सोल टोकन, ठीक है। आप लोग भाई लोग क्या करना है, यहाँ पे सोल टोकन सर्च करना होगा। ये CoinGecko लिखा है या फिर क्या लिखा है भाई? हाँ तो देखो सोल टोकन सर्च कर लेना, आप लोग सोल टोकन आ जाएगा। देखो एगन बता रहा हूँ, सॉल्ट पे क्लिक करना, सोल सर्च कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा सोलाना सोल। तो आप लोग इस पर क्लिक कर लेना होगा, इस वाले पेज पे आ जाना। आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देखो भाई लोग मैं जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, मैंने किया था 14.1 का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि मुझे 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ा था, ठीक है। लेकिन मैं अपने लेवल इंक्रीज करने में मुझे टोटल लग जाएगा 16 सोल, ठीक है। और हाँ आप लेवल इंटरेस्ट फ्री में भी कर सकते हो, आपका जो 4 दिन का अर्निंग होगा उसमें भी आप लोग लेवल इंटरेस्ट कर सकते हो, ये तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग पहले सोच लो कितना का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। बेटर रहेगा अगर आप लोग 15 सोल ले लेते हो तो, ठीक है। अगर 16 सोल लेते हो ना तो भाई बहुत बेटर रहेगा। तो 16 सोल का प्राइस 68,000 है। अगर आप लोग 16 बोले तो अपने अकाउंट पे 70,000 रुपये का सोल ले लेना, ठीक है, 7,000 रुपये का सोल ले लेना। आप लोग चेक कर लेना कि 7,000 रुपये का सोल कितना प्राइस पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग अगर आपके पास कम पैसा है, ठीक है, 60,000 रुपये, तो आप लोग 60,000 रुपये का भी सोल ले सकते हो, ठीक है, जो कि आप लोगों को उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप जितना का लेना चाहते हो ले लेना, ठीक है। हाँ तो भाई लोग देखो
आप अपने स्टेपन अकाउंट पे आ जाना, यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना, इसमें आप लोग मनी डिपॉजिट करना होगा। जैसे वॉलेट पे क्लिक करो, आप लोग इस तरह पे आ जाएगा, यहाँ पे स्पेंडिंग और वॉलेट लिखा होगा, तो आप लोग क्या है ना वॉलेट पे क्लिक करना होगा, आप लोग यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, आप लोगों का एड्रेस देखो लिखा गया कॉपी एड्रेस, बोले तो मेरा एड्रेस यहाँ पे सक्सेसफुल कॉपी हो चुका है, नहीं तो आप लोग रिसीव पे क्लिक करना, आप लोगों का इसी एड्रेस हो जाएगा अगेन, ठीक है, तो उधर से भी कॉपी कर सकते हो। हाँ तो बोले आप लोगों का एड्रेस कॉपी होने के बाद आप लोग इसमें जितना डिपॉजिट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा मनी है तो आप लोग क्या करना 17, 18 सोल डिपॉजिट कर लेना, उसके बाद आपका NFT जितना पे मिलेगा उतना पे बाय कर लेना, बाकी जो सोल बचेगा आप लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई लोग कैसे डिपॉजिट करोगे, आपके बाइनेंस अकाउंट नहीं तो कोई जगह पे अगर मनी वगैरह पड़ा होगा, ठीक है, तो सोल टोकन बाय कर लेना बाइनेंस या फिर कूकन, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई लोग बाइनेंस का यूज मत करो, क्योंकि बाइनेंस का अभी बाइनेंस पे सोल टोकन उडल सस्पेंड रहता है, अगर उडल एनेबल भी होता है ना देन आप लोगों का उडल 2-3 घंटे हो जाता है रिसीव होने में, अगर आप कूकन का इस्तेमाल करते हो देन बढ़िया बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बाइनेंस का एग्जाम्पल ही बताऊंगा क्योंकि मेरे पास कूकन एप्लीकेशन नहीं है शायद, ठीक है। तो भाई लोग देखो अब आप लोग क्या करना, आप ना बाइनेंस पे आ जाना, कूकन एप्लीकेशन है शायद, चलो बाइनेंस का एग्जांपल दे देता हूँ, देखो और भाई लोग बाइनेंस पे आ जाना, ठीक है, आपके पास जो टोकन होगा ना BUSD वगैरह या फिर कोई भी टोकन, तो आप लोग क्या करना उसी टोकन को कन्वर्ट कर लेना सोल टोकन पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सोल टोकन होगा इस पर क्लिक करना, आपने जो एड्रेस कॉपी किया ना अपना एड्रेस यहाँ पे उडल पे क्लिक करके आपका एड्रेस डाल देना, सोलानेटा चूज रखना, उसके बाद उडल लगा लेना, आप लोगों का उडल कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर। अगर आप लोग बाइनेंस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पेमेंट आने में, नहीं तो इसमें उडल भी कभी कभी एंड बंद रहता है, तो आप लोग मान लो आपके बाइनेंस अकाउंट में पैसा है कोई भी टोकन, तो उसे क्या करना कूकन एक्सचेंज पे ले लेना, देन उधर से सोल टोकन बाय करके आप लोग उडल कर सकते हो, आप लोगों का जो उडल है यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, कितना आप लोगों का उडल रिसीव हो जाएगा 1 से 2 मिनट का अंदर, कूकन पे उडल कंप्लीट होता है 1 से 2 मिनट का अंदर रिसीव हो जाएगा, और बाइनेंस पे लगाते हो कम होगा, नहीं तो आप लोग FTX प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं आप लोग रिकमेंड नहीं करूंगा, कूकन बेटर है, ठीक है। हाँ तो भाई और एक चीज देखो, काफी लोगों के पास मतलब बाइनेंस पे तो मनी नहीं होगा, अगर मान लो आप लोगों के पास बाइनेंस पे मनी नहीं होगा ना तो आप अपने बैंक से मनी कॉल करके बाइनेंस पे डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एक प्रॉपरली वीडियो चाहिए कि आप बैंक से मनी डिपॉजिट करके सॉरी बैंक से मनी कॉल करके आपके बाइनेंस अकाउंट पे डिपॉजिट करोगे और बाइनेंस पे डिपॉजिट करने के बाद आपके पास जो मनी आएगा उसे कूकन पे लेके सोल्ड टोकन बाय करके अगर आप स्टेपन अकाउंट पे लेना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट पे 50+ कमेंट कर दो कि बस कमेंट पे लिखना बाइनेंस का प्रॉपरली वीडियो बना दो, बोले तो P2P का प्रॉपरली वीडियो बनाओ, कमेंट पे लिखना P2P का प्रॉपरली वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए अगर आप 50+ कमेंट करते हो देन मैं आप लोगों के लिए पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा, आप अपने बैंक से मनी काट के बाइनेंस पे डिपॉजिट कर सकते हो और बाइनेंस का मनी कूपन पे लेके स्टेपन पे डिपॉजिट कर सकते हो। हाँ तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दिया उडल, आपके आपको जितना सोल का नीड है आप लोग यहाँ पे ले आना, ठीक है, 15-16 सोल ले आना बेटर रहेगा। हाँ तो भाई लोग आप लोग सोल कहाँ पे सो होगा, जैसे आप लोगों का उधर से एक्सचेंज से उडल कंप्लीट होता है देन इसी वॉलेट सेक्शन पे आना, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे सोल शो हो जाएगा, इसी जगह पे आप लोगों का सोल शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना होगा, ये जो सोल है ना आप लोगों को इसे सेंड करना होगा स्पेंडिंग अकाउंट पे, क्योंकि हम लोग को NFT बाय करना है तो हमारे NFT कैसे बाय होगा, अगर हमारा मनी स्पेंडिंग अकाउंट पे होगा तो बाय होगा, तो कैसे करोगे, ये सोल को ट्रांसफर करना सिंपल से, यहाँ पे ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे आएगा टू स्पेंडिंग, तो आप लोग टू स्पेंडिंग पे क्लिक करना, इस तरह पे जाएगा, ठीक है, ऊपर वॉलेट रहने देना नीचे स्पेंडिंग रहने देना, आपके यहाँ पे सोल चूज रख लेना, उसके बाद आपके पास जितना सोल होगा ना, मान लो आपके पास 16 सोल है, ठीक है, आपके पास मान लो 16 सोल है, देन आप लोग यहाँ पे एंटर करना होगा 15.95 सोल ले लेना, ठीक है, थोड़ा बचा के रखना, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेना सेंड हो जाएगा। मान लो आपके पास यहाँ पे आपने 15 सोल आपके पास है देन यहाँ पे आप लोग ट्रांसफर करना 14.95 लिख के आप लोग क्या करना ट्रांसफर कर लेना, बोले तो थोड़ा बचा के रखना, उसके बाद ट्रांसफर कर लेना, आप लोगों का 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के अंदर आप लोगों का जो मनी है यहाँ पे आ जाएगा स्पेंडिंग अकाउंट पे, यहाँ पे चेक करना स्पेंडिंग अकाउंट पे आ जाएगा। उसके बाद हाँ तो भाई लोग आप लोगों का मनी यहाँ पे आ जाएगा स्पेंडिंग अकाउंट पे, यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो है ना मेरा यहाँ पे एक NFT शो रहा है, बट आप लोगों का यहाँ पे कुछ NFT शो नहीं होगा, आप लोगों यहाँ पे एक प्लस का आइकन आएगा पास, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे NFT बाय करना होगा। कैसे बाय करोगे, सिंपल से यहाँ पे अमेजन के सेक्शन पे आना, नीचे जो अमेजन का एक ऑप्शन है, अमेजन जैसा है अमेजन नहीं, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग मार्केट प्लेस आ जाएगा। अब आप लोग NFT बाय करना होगा इसी मार्केट प्लेस पे, देख सकते हैं यहाँ पे 12 सोल का NFT है, 12 सोल का है, तो आप लोग ये सब कुछ नहीं करना, आप लोगों का अच्छा चीज़ बाय करना होगा, ताकि आप लोग जो चीज़ बाय कर रहे हो ना उससे ज़्यादा पे सेल पे लगाओ, ठीक है, क्योंकि आपका काम ही उस तरह यहाँ पे बनने वाला है। तो भाई लोग देखो NFT कैसे बाय करोगे, सिंपल से यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करके आप लोग यहाँ पे स्निकर लिखा होगा, स्निकर पे क्लिक करना, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, स्निकर के नीचे वॉलकर जोगर रनर ट्रेनर 4 ऑप्शन आ रहा है, ये ट्रेनर को गोली मारो, ये 3 ऑप्शन देखो वॉलकर जोगर रनर, ये पहले मैं आप लोग वॉलकर समझाता हूँ, अगर आप लोग वॉलकर NFT बाय करना चाहते हो ना, ठीक है, वॉलकर NFT पे क्या होता है, आप लोग 1 से लेकर
छः स्पीड के अंदर चलना पड़ता है भाई, बहुत सिंपल है भाई। आप धीमी गति से भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, आपका अर्निंग होता रहेगा, ठीक है। और वॉकर एनर्जी का एक अच्छा बात है, मान लो बारिश का सीजन आ गया तो आप एक रूम, आपके खुद के रूम या फिर खुद के घर के अंदर भी आप लोग चल के अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वॉकर, वॉकर तो मैं तो भाई वॉकर ही लिया हूँ, ठीक है। और ये जोगर, जोगर क्या है, जोगर आप लोग 4 स्पीड से लेकर 10 स्पीड के अंदर चलना पड़ेगा, बोलो तो आपका स्पीड थोड़ा चलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर आप लोगों का जोगर। देखो वॉकर्स, अगर आप जोगर लेते हो तो वॉकर से थोड़ा 100, 200 या फिर 300 रुपये का ज़्यादा अर्निंग होगा, ठीक है। तो ये जोगर है, आपको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। और रनर क्या है, ठीक है, रनर है आप लोगों को भाई 10 स्पीड से लेकर 20 स्पीड के अंदर भागना पड़ेगा। आप जोर से भी चल सकते हो, लेकिन जोर से चलोगे ना तो भाई वो काउंट नहीं होगा। आपको रनर का मतलब आप लोगों को साइकिल से जाना होगा जोर थोड़ा स्पीड पे, नहीं तो आप लोग बाइक से रनिंग करना होगा, नहीं तो आप लोग जोर से भागना होगा भाई लोग, ठीक है। 10 स्पीड से लेकर 20 स्पीड तक आप लोगों को भागना पड़ेगा, उससे कम नहीं या फिर उससे ज़्यादा नहीं, उसके अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे अभी अर्निंग का पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये था वॉकर, जोगर, रनर, तो आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को वॉकर दिखाता हूँ, अगर आप लोग वॉकर लेना चाहते हो तो वॉकर पे क्लिक करना, यहाँ पे कॉमन है, कॉमन पे क्लिक करना। अगर आप लोग पास ज़्यादा सोल है, मान लो 16, 17, 18 सोल है, ठीक है, तो आप एक एनएफटी, अच्छा एनएफटी ले सकते हो। मान लो आप 18 या फिर 20 सोल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो भाई लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे अगर 18, 20 सोल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग क्या करना, लेवल 9 चूज कर लेना होगा। लेकिन याद रखो, अगर आप लेवल 9 चूज करते हो देन आप जो एनएफटी लोगे भाई 16 के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा ना तो भाई वो ज़्यादा प्राइस बन जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। आप लेवल 9 अगर आपके पास ज़्यादा है, 18 सोल के अंदर आप लोगों के पास मनी है ना, सॉरी इतना नहीं, इतना नहीं, 17 सोल के अंदर अगर आप लोगों के पास मनी है तो आप लोग क्या करना, लेवल 9 चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे शूज मेन पे आप लोग यहाँ पे 2 रख लेना होगा इस तरह, उसके बाद कन्फर्म कर लेना होगा, ठीक है। देखो बाकी भी बताऊंगा, पहले लेवल 9 लोगों के लिए बताता हूँ जिनके पास ज्यादा सोल है। आप लोग इस तरह पे जगह देख सकते हैं, यहाँ पे 13.95 सोल चल रहा है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे देख सकते हैं बेस है ना, यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन है, तो आप लोग क्या करना, बेस पे क्लिक करना, वो ये ब्लैक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन चीज नोटिस करना, यहाँ पे ब्लैक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेन चीज है एफिशियंस और है रेजिलियंस, ठीक है। ये दोनों चीज मिला के अगर 13+ हो रहा होगा तो आप लोग ये एनएफटी बाय करना, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देख सकते हो दोनों चीज़ मिलने के बाद 7 हो रहा है, 7.8 बन रहा है, तो ये एनएफटी बकवास है भाई, नहीं चाहिए हमें, कम प्रॉफिट देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 14 सोल वाला है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर भी क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ पे ग्रीन आर होगा, बेस पे सिंपल सा क्लिक कर लेना, व्हाइट ब्लैक हो जाएगा। इसका देख सकते हो एफिशियंस कितना है, इसका एफिशियंस है 4.4 और रेजिलियंस कितना है 5.3 है, ठीक है ना। इसका रेजोल्यूशन है 5.3, तो ये दिनों को मिलाते हैं तो 9 हो रहा है, ठीक है, 9.7, तो ये नहीं चाहिए हम लोग को, मिनिमम 13 से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो तो 16 सोल वाला है, आप लोग इस पर क्लिक कर लेना। अगर आप डायरेक्ट 9 लेवल वाला ले रहे हो ना जो अभी बता रहा हूँ, तो आप लोग 16, 17 सोल के अंदर लोगे तो चलता है, ठीक है। इस पे भी मैं आ जाता हूँ, बेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 10 बन रहा है, ठीक है, बोले तो 11 बन रहा है एफिशिएंस रेजिलेंस मिला के, तो ये भाई नहीं चाहिए, 16 के ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह प्राइस रेंज पे चेक कर सकते हो, ठीक है, इस तरह ढूंढ सकते हो। 17 सोल के अंदर अगर आप लोग अच्छा खासा मिल जाता है, जिसका यहाँ पे बेस प्राइस रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस है भाई 16.5, ज़्यादा बन रहा है, लेकिन इसका भाई 13 से एफिशिएंस रेजिलेंस मिला के 13 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। एफिशिएंस रेजिलेंस से क्या होगा ना, अगर आप 13 से ज़्यादा लोगे तो आप लोगों का थोड़ा अच्छा खासा अर्निंग बनता रहेगा, नहीं तो आप लोग कम अर्निंग होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चेक कर लेना, जो से अच्छा लगे आप लोगों का ले लेना। आप लोगों का मैं एक दिखा देता हूँ, रुको, देखो भाई लो, आप लोगों के यहाँ पे मैंने एक दिखा देता हूँ, ये कैनेडियन है जिसका प्राइस है 19.35 सोल टोकन है, ठीक है, इसका प्राइस। लेकिन इसका देख सकते हो अगर दोनों को मिलाता है ना भाई, तो बन रहा है 14.3 बन रहा है भाई। इससे अच्छा होगा तो आप लोग लेवल 5 ले लो और लेवल 9 इंक्रीज़ कर देना, आप लोगों का 4 दिन का जो अर्निंग होगा ना, 14 सोल पे आप लोगों को 14, 15 सोल के अंदर लेवल 5 का एक अच्छा खासा चीज़ मिल जाएगा। आपका 3, 4 दिन का अर्निंग जो होगा ना, उसमें आप लोग 9 लेवल भी कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात भी है। तो डायरेक्ट लेने से क्या होगा कि आपका अर्निंग आज से शुरू होगा, अगर आप लेवल 5 लेते हो तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का जो 3, 4 दिन का अर्निंग जो है आपका लेवल 9 पे चला जाएगा, ठीक है। तो सेम बात है, ऐसे अगर आप 16, 17 सोल का डायरेक्ट 9 लेवल बाय करते हो तो जितना पे मिलेगा, आपको 5 लेवल भी बाय करते हो तो 4 दिन का अर्निंग भी उतना ही बन रहा है, ठीक है। तो बराबर बात है, लेवल 9 ले सकते हो, 14, 15 नहीं तो 5 भी ले सकते हो, लेकिन लेवल 9 थोड़ा बेटर रहता है, बट कोई नहीं, आप लोग जो मिलेगा अच्छा वो ले लेना, ठीक है। देखो यार पहले, अब मैं आप लोग वॉकर बता दिया डार्ट 9 लेवल वाला, ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ
अगर आपके वॉल करने, अगर आप लोग जोगर लेना चाहते हो तो क्या करना, सिंपल सा फिल्टर पे क्लिक करना, यहाँ पे जोगर पे क्लिक कर लेना सेम चीज़, और यहाँ पे कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप लोग ढूंढ लेना होगा एक अच्छा खासा एफिशियंस और रेजिलेंस चेक करके आप लोग ढूंढ लेना होगा, ठीक है। जैसे कि 13+ होना चाहिए, आप लोग ढूंढ लेना। उसके बाद अगर आप लोग मिल जाता तो आप लोग क्या करना, सिंपल सा बाय कर लेना, भाई ढूंढना यार, यहाँ पे जल्द मिलता है, ठीक है, ढूंढ लेना, ठीक है। हाँ तो पहले अब मैं आप लोग लेवल 9 बता दिया। इस तरह ना आप लोग क्या करना है, फिर से आप रनर पे भी जाकर चेक कर सकते हो, रनर पे मिल जाता है, मे भी रनर पे भाई मिल जाएगा। रनर का मतलब मैंने आप लोग बता दिया, उसी से आप ले सकते हो। रनर का तो भाई जरूर मिल जाएगा आप लोग लेवल 9 का अच्छा खासा, ठीक है। 16-17 16 के अंदर, 17 16 के अंदर मिलेगा तो लेवल 9 वाला लेगा लेना, अगर उससे ज़्यादा का मिलेगा तो वही चीज़ मत लेना, समझ में आया ना। हाँ तो पहले देखो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना, अब मैं आप लोग बताता हूँ लेवल 5, ठीक है। ये 9 लेवल है, लेवल 5 क्या है, आप लेवल 5 का ही लोगे ना तो आप लेवल 9 तक भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आना, लेवल 5 पे इस तरह मिला लेना, सब कुछ बराबर रखना। यहाँ पे वॉकर भी चूज कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो रनर करना चाहते हो रनर भी चूज कर सकते हो। रनर पे क्या होना, थोड़ा ज्यादा का अर्निंग होता है, ठीक है। अगर मान लो आप रनर पर चूज करते हो, ठीक है, रनर का आप लोगों को 14 16 के अंदर बेटर मिल जाएगा यार, बढ़िया ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। देखो पहले एक NFT है 13.5 16 के आसपास बन रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बेस देख सकते हो, इसका बेस भाई यहाँ पे 13 से ज़्यादा है, बोल तो 14 से बन रहा है ये दोनों अगर मिला के, ठीक है। अगर और एक भी क्लिक करता हूँ तो इसका बेस देख सकते हो 9 है 12, ये भाई वही 13 बन रहा है, लेकिन अभी मैंने एक देख रहा था, ठीक है। अगर आप 14 16 के अंदर लेना चाहते हो रनर ना, तो आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा, अच्छा एफिशियंस और रेजिलेंस आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, बेटर रहेगा। आप लेवल भी इंक्रीज कर सकते हो, आपका 4 दिन का जो अर्निंग होगा उसमें से आप लोगों का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 दिन के बाद आप लोगों का जो अर्निंग बनेगा वो आप लोगों का अर्निंग बनेगा, ठीक है। तो ले सकते हो, और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ वॉलकर वाला। वॉलकर पे क्लिक करना सेम तरीके से, कंफर्म कर लेना, आप लोगों को इसमें ढूंढ लेना होगा 14 15 16 तक चले जाना। अगर आप कॉम पे लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो, ये जो कॉम दिखा दे रहा है, लेकिन इसमें से कॉम प्रॉफिट होगा, आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है। तो पहले देखो मैं फिल्टर पे जाता हूँ, हाँ तो वॉलकर पे भी इस तरह ढूंढ लेना, आप लोगों को मिल जाएगा जो एफिशिएंट रिजल्ट्स मिला लेना। अगर 14 16 के अंदर बोले तो 14.5 16 के अंदर अगर आप लोगों को मिलता है इस तरह 13 से ज़्यादा नहीं तो 14 से ज़्यादा तो ले लेना, ठीक है, वॉलकर तो बेटर है। तो नहीं तो अगर आप जोगर लेना चाहते हो तो सेम तरीके से आप लोग ढूंढ लेना, ले लेना, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप लेवल 6 वाला लेना चाहते हो तो यहाँ पे लेवल 6 भी चूज कर लेना, जितना लेवल का लेना चाहते हो यहाँ पे कंफर्म करके उस पर भी ढूंढ सकते हो, लेकिन एफिशिएंट रेजिलियंस मिला लेना, 13 से ज़्यादा हुआ तो उसे बाय कर लेना, ठीक है। हाँ तो पहले मैंने आप लोग ऑल चीज़ बता दिया कैसे बाय होगा, बस आप लोग जो चीज़ लेना चाहते हो आपका जैसे ही पसंद आ जाएगा कोई चीज़, ठीक है, बस आप लोग क्या करना बाय पे क्लिक करना, आप लोग बाय कंप्लीट हो जाएगा। बाय कंप्लीट होने के बाद आपका जो NFT है ना यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है भाई लोग, आप लोगों का यहाँ पे NFT शो हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, आप लोगों का NFT बाय हो गया, ठीक है। हाँ तो भाई लोग ये था हमारे आज के 3rd पॉइंट, और मैं आप लोगों को हमारे आज के 4 पॉइंट बताता हूँ। देखो भाई लोग 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। बोले तो आप लोग ये स्टेपन का इस्तेमाल करके, आपने जो NFT बाय किया ना इसका इस्तेमाल करके कैसे अर्निंग करोगे, ठीक है। हाँ तो पहले कैसे अर्निंग करोगे, देखो यहाँ पे आपका NFT बाय होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक टाइमर चलता है, रिफिल लिखा होता है ना, तो यहाँ पे टाइमर चलता है। ये टाइमर देखो आप लोगों को एवरी 6.5 घंटे के बाद आप लोगों को यहाँ पे 0.5 एनर्जी मिलेगा, टोटल डेली का आप लोगों को 2 एनर्जी मिलेगा, लेकिन एवरी 6.5 घंटे के बाद आप लोगों को 0.5 एनर्जी मिलेगा। देखो अभी फिलहाल के लिए टाइम कितना है, 12 बज गया, 1 बज गया, 1 बजने वाला है, तो मुझे 12:30 पे यहाँ पे 0.5 एनर्जी मिला है, ठीक है। जैसे ही 12:30 बजेगा ना, अगर आप लोग उस टाइम इस एनर्जी को यूज करते हो देन आप लोगों को अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो लेट पे करोगे थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। और देखो भाई लोग आप लोग एवरी 6.5 घंटे के बाद यहाँ पे मिलेगा 0.5 एनर्जी, 0.5 एनर्जी टोटल आप लोग डेली के मिलेगा 2 एनर्जी। आप लोग एक साथ मत भागना, एक साथ भी आप लोग अगर 10-12 मिनट भागो ना तो चलेगा, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को 500-600 रुपये का अर्निंग कम होगा। आप लोगों को डेली 4 बार मिलेगा, तो आप लोग 4 बार भागने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई लोग मैं आप लोग दिखाता हूँ, मुझे अभी फिलहाल के लिए मिला, मैं तो अभी आप लोग अभी लाइव दिखाऊंगा कैसे भागने पे कितना अर्निंग होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आज शाम 6:30 बजे भी मिलेगा, उस टाइम भी भाग लेना, ठीक है। उसके बाद रात के 12:30 बजे मिलेगा ना, तो आप तो उस टाइम भाग नहीं पाओगे, तो आप लोग क्या करना, उस टाइम आप लोग रात के 12:30 बजे जो मिलता है आप लोग सुबह अलार्म दे देना 5 बजे, नहीं तो 6 बजे अलार्म दे देना, फिर आप लोग जाग जाना 6 बजे। उसके बाद 6 बजे पे आप रनिंग कर लेना, कैसे रनिंग करोगे अभी बताऊंगा, ठीक है। रनिंग कर लेना, फिर आपका 6 बजे का जो 12:30 बजे का मनी 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद 6:30 बजने के बाद सुबह, उसके बाद और एक भी मिलेगा, उसे भी इस्तेमाल कर लेना। तो इस तरह आप लोग एवरी 6.5 घंटे के बाद आप लोगों को एनर्जी मिलेगा, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इजिली, ठीक है। हाँ तो भाई लोग, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना अर्निंग हो रहा है। जैसे मेरे अकाउंट में यहाँ पे सिर्फ 0.27 GST पड़ा है, और वॉलेट पे 16 इतना पड़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने वॉलेट पे भी आता हूँ, देख सकते हो मेरे वॉलेट पे बोला जाए तो कुछ मनी नहीं पड़ा है भाई, ठीक है। हाँ तो पहले और मैं आप लोग बताता हूँ इसका इस्तेमाल आप लोग कैसे करोगे और लेवल भी कैसे इंक्रीज करोगे ना, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ तो भाई देखो, एक चीज़ ये कर लेना, आपके पास जो NFT है ना, इस पर पहले क्लिक करना। मेरा है वालकर NFT, मुझे भागना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर आवर के हिसाब से, ये मेरा स्पीड है, ठीक है। और आपके लेवल ऐसे देखो, देख सकते हो ये मेरा जो, मैं अगर आपको मेरा बेस दिखाऊंगा ना तो देख सकते हो मेरा बेस यहाँ पे कितना है, 14 ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। हाँ तो भाई लोग देखो, अब आप लोग क्या करना होगा, आप लोग सिंपल सा आपके पास NFT होगा, जैसे 0.5 मिल जाएगा, आप लोग क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर लेना, आप लोग लोकेशन अलाउ मांगेगा, लोकेशन ऑन कर लेना, इस तरह ये टाइमर चलेगा, देन आपको यहाँ पे भागना पड़ेगा। मैं बस चल रहा हूँ, मेरे पास वालकर का NFT है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टाइम का स्पीड देख सकते हो, यहाँ पे 1.2 चल रहा है, ठीक है। और मेरा वालकर का जो NFT है ना भाई, उसका स्पीड है कि 1 से लेकर 6 के अंदर जाना होगा। और मेरे यहाँ पे टाइमर का स्पीड देख सकते हो, मैं चल रहा हूँ 5.5 चल रहा है, बोले तो मेरा अच्छा खासा स्पीड चल रहा है, मैं स्लो भी चल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलना, यहाँ पे देखता हूँ हम लोगों को कितना मिलेगा GST यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को एवरी कुछ टाइम के बाद, ठीक है, यहाँ पे 0.2 GST यूज़ होगा। और एक चीज़ भाई लोग मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों को अगर डेली 4 बार चलोगे ना तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 0.4 एनर्जी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पता नहीं चलेगा कैसे मिलेगा, अगर आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो अगर मैं वो भी बताना चाहूँगा ना तो वो भी लेट हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ आप लोग। बोले तो इस तरह आप लोग डेली 4 बार चलना, ठीक है। जैसे ही मिलेगा ना 6.5 घंटे के बाद, 6.5 घंटे आप लोग चलना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे, यहाँ चलो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ना, यहाँ पे स्टे भी कंप्लीट हो रहा है, वेट कर लेता हूँ कब यहाँ पे मुझे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। ये 3 बार मुझे मिलेगा, यहाँ पे साउंड भी आ जाता है जब पेमेंट मिलने का टाइम आता है ना, यहाँ पे साउंड भी आ जाता है। मैं यहाँ पे 120 का स्टेप कंप्लीट कर लिया हूँ और यहाँ पे मेरा चलने का टाइमर देख सकते हो 4 है। मैं इतना स्पीड पे चल रहा हूँ, बोलते तो बहुत धीरे चल रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा पहले ज़्यादा चल रहा। चलो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। देखो यार बोलो, इसका जो GST है मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कितना था, 0.5 एनर्जी था, मेरा 0.2 एनर्जी यहाँ पे कॉट हो गया और मुझे यहाँ पे मिला 1 GMT टोकन मिल चुका है, सॉरी GST टोकन मिल चुका है। इसका प्राइस मैं आप लोग अभी चेक करके दिखाऊंगा। और भी मेरे पास 0.3 एनर्जी बचा है, ठीक है। और भी 2 बार मुझे यहाँ पे पेमेंट इंस्टेंट रिसीव होने वाला है, ठीक है। देखो 2 बार पेमेंट रिसीव होगा ना तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा 0.1 का एनर्जी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोग बोला, अगर आप लोग 4 बार चलोगे तो आप लोगों को 0.4 एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाता है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो आप लोगों को बोला तो भाई 500 का एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाता है, ठीक है। हाँ तो मैं चल रहा हूँ फिर से सेम स्पीड के, एक जगह पे भाई चल रहा हूँ, दोबारा जा रहा हूँ, फिर पीछे आ रहा हूँ, इस तरह भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई देख सकते हो मैं अपना यहाँ पे स्पीड कंप्लीट करा रहा हूँ भाई, यार सोचिए बताऊँ तो बहुत धूप है यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ मुझे यहाँ पे सेकंड पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यहाँ पे देखता हूँ इसका टाइमर, सांप हम तो नहीं है ना इधर भाई, यार साउंड हो रहा है। हाँ तो देखो भाई लोग, मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा लेवल 7, अभी मैं अपना लेवल 7 हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, बट आप लोगों का लेवल अगर 5 होगा तो कम मिलेगा, अगर आप लोगों का लेवल ज़्यादा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 2 यूज़ हो चुके और बाकी 0.1 बचा है, बट यहाँ पे 0.2 एक्स्ट्रा मेरा यूज हो जाएगा, बोलते एक्स्ट्रा मिलेगा जो आप लोगों को अभी जस्ट बता रहा था, ठीक है। तो देखता हूँ मुझे टोटल कितना इनकम हो रहा है। और एवरी 4 बार मेरा अभी के हिसाब से 7 लेवल के हिसाब से मेरा डेली का 12 GST बन रहा है, ठीक है। चलो मैं ये वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, देखता हूँ मुझे 3+ यहाँ पे मिलता है या फिर नहीं। अगर आप लोग रनर वाला लेते हो देन आप लोगों का डेली का भाई 4 के आसपास मिल जाएगा, तो जो कर लेते हो अभी वो भी 4 के आसपास है, ठीक है। तो चलो वेट कर लेता हूँ। हाँ तो बोले यहाँ पे देख सकते हो ना टोटल मैंने कितना चला यहाँ पे, 3.5 मिनट तक चला हूँ, ठीक है, 3.5 मिनट के आसपास। हाँ तो अब नहीं चलूँगा, ये पेमेंट मिल गया, तो देखता हूँ कितना पेमेंट मिलता है। अरे यार 2.96 मिला, अगर मैं परफेक्ट टाइम पे चलता ना तो 3 हो जाता। चलो कोई नहीं, मुझे यहाँ पे 2.96 GST मिला। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो रेड का ऑप्शन है ना, आप लोगों इसमें उंगली को होल्ड करके रखना, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा इस तरह। उसके बाद मैं इधर से बैक करता हूँ, मुझे मिला कितना 2.96। तो 2.96 GST का वैल्यू क्या है बताता हूँ। आप लोग कौन गूगल पे आ जाना, सर्च करना होगा GST आ जाएगा ग्रीन संतोषी, ठीक है। 2 ग्रीन संतोषी है इसका, एक का प्राइस भाई 600 से चल रहा है और एक का प्राइस 240 से 200 रुपये से ज़्यादा चल रहा है। जो 200 रुपये चल रहा है ना वो आपका है, ठीक है, बिकॉज ये 16 रुपये बेस है। हाँ तो भाई लोग देख सकते हो पर NFT का प्राइस कितना चल रहा है, सॉरी पर टोकन का। तो यहाँ पे मुझे मिला 2.96, तो यहाँ पे देख सकते हो 713 रुपये मुझे मिला, जो कि आप लोगों को अभी इंस्टेंट उडल करके मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
और मुझे 4 बार मिलेगा, और 4 बार को हिसाब कर लूँगा बोलो तो मुझे 12 मिलता है, ये कम अभी के लिए 12 के हिसाब से मेरा 28 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी 3 भी नहीं मिला, तो देख सकते हो 12 के हिसाब से मुझे 28 रुपये बन रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, हम लोग के यहाँ पे पेमेंट मिल चुका है, और यहाँ पे जैसे ही टाइमर खत्म होगा और 0.5 मिलेगा, आप लोग यूज़ कर लेना, परफेक्ट टाइम पे यूज़ करना, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मैं परफेक्ट टाइम पे यूज़ नहीं कर पाया, ठीक है। हाँ तो भाई लोग देखो, अब आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों का ये जो सोर्स है ना, आपका सोर्स यहाँ पे यूज़ हो गया, आप लोगों को इसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा 713 रुपये इनकम हुआ, मैं देखता हूँ मेरा रिपेयर का जो रिपेयर का फी है ना वो कितना लेता है, ठीक है। आप लोगों को रिपेयर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा फी वगैरह लगता है यार, बहुत बकस। चलो कोई बात नहीं, आपके लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा आपको कम फी लगेगा। हाँ तो भाई लोग देखो, यहाँ पे एक है, क्या है, यहाँ पे एक शूज़ का ऑप्शन है ना, तो आप लोग क्या करना, इस पर क्लिक कर लेना होगा, आपके NFT शो हो जाएगा, सिंपल से इस पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन दिखा देगा, रिपेयर पे क्लिक करना, आप लोगों का कितना GST लगेगा शो हो जाएगा। मेरा रिपेयर इसलिए यहाँ पे अभी इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जो है ना, मेरा लेवल 7 है, मेरा लेवल 7 था, मैं लेवल 8 के लिए अप्लाई किया हूँ, जो कि लेवल 8 अप्लाई होने में 8 घंटा टाइमर 8 घंटा टाइम लगता है। तो जैसे 8 घंटा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 8 हो जाएगा, उसके बाद मैं रिपेयर कर सकता हूँ। जब लेवलिंग आपका चलता होगा ना, उस टाइम आप लोग NFT सेल नहीं कर सकते हो, कुछ उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, बस चलने के सिवा, टोकन अर्निंग करने के सिवा बाकी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग रिपेयर हो जाएगा, आपका कितना GST लगेगा, पहले पहले तो भाई आप लोगों का GST लग सकता है भाई, 2 के आसपास आप लोगों के GST लग सकता है, ठीक है। हाँ तो भाई लोग देखो, मतलब मैं क्या क्या बोल जा रहा हूँ भाई, कब से वीडियो कितना लंबा हो गया यार, पता नहीं आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे या फिर नहीं। ओके भाई लोग, आप लोग यहाँ पे शूज को रिपेयर करना, मोस्ट मोस्ट बनता है, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का अर्निंग ज्यादा नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये 4 पॉइंट चल रहा है ना, हाँ हाँ तो भाई लोग, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग लेवल कैसे इंक्रीज करोगे। देखो भाई लोग, आप लोग जो अर्निंग करोगे आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उस आप लोग रिपेयर करने के बाद आप लोग यहाँ पे पहले पहले तो जो शो होगा चेक कर लेना, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे डेली अगर 4 बार भाग लेते हो ना, तो डेली के हिसाब से आप लोगों का 8 या फिर 10 टोकन के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आपका लेवल 5 है तो 8-9 टोकन मिल सकता है, जैसे ही 8 या फिर जितना टोकन मिलेगा ना, आप लोग क्या करना, सिंपल सा आपके जो NFT यहाँ पे, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, आपका जो NFT है ना, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखा देगा, लेवल लिखा है ना, जैसे मेरा लेवल 7 लिखा, आपका लेवल जो होगा सो हो जाएगा। अगर आपका भाई लेवल 9 है ना, तो लेवल 9 से ऊपर आप लोग लेवलिंग मत करना, बस आप लोग अर्निंग करना, ठीक है। अगर आपके लेवल 5 है तो आप लोग अपने लेवल को 9 तक लेके जाना। देखो लेवल पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, आपको बोला जाएगा लेवल 5 के लिए आप लोगों का 5 GST फी लगेगा, सॉरी लेवल 6 करना चाहोगे ना तो 6 GST फी लगेगा, बस आप लोग कंफर्म करना, बूस्ट पे क्लिक नहीं करना, एक बार कंफर्म करना, आपके यहाँ पे GST कट जाएगा और लेवल 6 के लिए अप्लाई हो जाएगा। 6 घंटा जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों का लेवल 6 उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो पहले लेवल 6 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ना आप लोगों का जो NFT है, यहाँ पे आपके NFT पे यहाँ पे शो हो जाएगा लेवल 6, ठीक है। आप लोगों का लेवल 6 जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों को कुछ यहाँ पे मिलता है पॉइंट, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट मिलता है, देखो यहाँ पे सेम पेज वाले आ जाना, आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट लिखा आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, और आपका जो पॉइंट है ना यहाँ पे एफिशियंस पे लगाना होगा, ठीक है। आपका जो जैसे जैसे मेरे यहाँ पे रेजिलियंस का पॉइंट है ना भाई, रेजिलियंस का पॉइंट 14 से ऊपर मत रहने देना, 14 14 ही बेटर है, 14 तक रखना, बाकी जितना पॉइंट है ना आप लोग एफिशियंस पे लगाना, वो बेटर रहता है। अगर आपका रेजिलियंस का पॉइंट अभी तक 14 नहीं हुआ है या फिर 10 या फिर 8 होगा, तो आप लोग इसे 14 तक ले आ सकते हो, नहीं तो 10 12 भी रखना, लेकिन 14 से ऊपर मत लेकर जाना, काफ़ी लोग इसे लेकर चले जाते हैं, और ठीक है। तो भाई लोग देखो, आपको 4 पॉइंट मिला होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा आपका 4 पॉइंट, उसे क्या करना, यहाँ पे प्लस के बटन पर क्लिक करके एफिशियंस पे यूज़ कर लेना 4 पॉइंट, ठीक है। सारे चीज़ें आप लोग एफिशिएंट पे यूज़ कर लेना, और बाकी नेक्स्ट टाइम जो और एक जब लेवल इंक्रीज करने जाओगे, आपको पास जो GST होगा ना, उसमें आप जब दूसरा लेवल इंक्रीज करने जाओगे तो उसका पॉइंट आप लोग रेजिलेंस पे यूज़ कर लेना, लेकिन रेजिलेंस का पॉइंट 14 से ज़्यादा मत रहना देना, अगर 12 है तो यहाँ पे 2 प्लस के बटन में क्लिक करके 2 यूज़ कर लेना, बाकी एफिशिएंट पे यूज़ कर लेना। हाँ तो भले मैं आप लोग बता दिया, ठीक है, ऑल चीज़ बता दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे इस तरह आप लोग डेली का 4 बार भाग सकते हो, मैं जैसे ही आप लोग बताया, जो रात के 12:30 बजे मिलता है पॉइंट, ठीक है, एनर्जी मिलता है, तो आप लोग रात के 12:30 बजे भाग सकते हो, नहीं तो मॉर्निंग पे अलार्म दे देना, जाके भाग लेना, ठीक है भाई लोग।
और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका उडल, आप लोग कैसे उडल करोगे। हाँ तो पहले मुझे यहाँ पे जो 3 GST मिला ना, आप लोग कैसे उडल करोगे बताता हूँ। सिंपल सा, आपके अकाउंट पे थोड़ा सोल टोकन होना चाहिए, यहाँ पे जैसे देख सकते 0.03 सोल है, तो यहाँ पे मैंने रहने देना थोड़ा। उसके बाद आप लोग क्या करना, वालेट पे क्लिक करना, ऐसे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफर का, ट्रांसफर के बटन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे ऊपर स्पेंडिंग रहने देना, नीचे वालेट, आपके यहाँ पे सोल होगा, इसे चूज करके GST कर लेना। GST करने के बाद आप लोग यहाँ पे अमाउंट है ना, तो आप लोग क्या करना, अमाउंट पे यहाँ पे GST, मेरे पास मान लो 3.23 GST है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3 डाल दूंगा। उसके बाद सिंपल सा कॉन्फर्म पे क्लिक कर लूँगा, थोड़ा रखना ठीक है, 0.1 बचा के रखना, थोड़ा रखना। उसके बाद आप लोग क्या करना, कॉन्फर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर लेना, आप लोगों का ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को लाइव ये चीज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा अभी लेवलिंग चल रहा है, इसलिए मैं अकाउंट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत, 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। आपके वालेट वाला सेकंड पे चेक करना, आपका GST हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, ट्रेड पे क्लिक करना, यहाँ पे ऊपर यूसेज होगा, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे GST रहने देना, जो GST इस पे क्लिक करना, ऊपर GST, नीचे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सोल रख लेना ठीक है। आपके पास जितना टोकन होगा सिंपल से मैच करके यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना होगा, आप लोगों का ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपका GST टोकन कन्वर्ट हो जाएगा सोल टोकन पे। ठीक है भाई लोग, आप लोगों का GST टोकन कन्वर्ट हो जाएगा सोल टोकन पे, आप लोगों का सोल टोकन शो हो जाएगा। सोल टोकन शो होने के बाद सिंपल से यहाँ पे ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करना, टू एक्सटर्नल पे क्लिक करना, उसके बाद सोल पे क्लिक करना अगेन। आपके यहाँ पे अपना बाइनेंस नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट या फिर कहीं पे आप जहाँ पे मनी अपना लेना चाहते हो, मान लो बाइनेंस पे मनी लेना चाहते हो, देन अपना बाइनेंस अकाउंट पे चले जाना डिपोजिट सेक्शन पे, वहाँ पे सर्च करना होगा सोल, आ जाएगा सोल का एड्रेस, देन कॉपी कर लेना यहाँ पे एंटर करके जितना सेंड करना चाहते हो। मान लो आपके पास 3 सोल है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 2.9 सोल लिख के सेंड कर देना, थोड़ा बचा के रखना अकाउंट पे क्योंकि फी वगैरह के लिए वो काम आता है। ठीक है, तो आपके जो इंस्टेंट है ना, यहाँ पे कंफर्म कर लेना, जैसे ही कंफर्म करोगे आप लोगों का उड़ल तुरंत भाई 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर आपके डिपॉजिट हो जाएगा, आप जिस अकाउंट पे उड़ल किए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप मनी जहाँ से लाए होंगे वहाँ से भी भेज सकते हो भाई। ठीक है, ऑल चीज मैंने आप लोग बता दिया, आप लोग इसमें कैसे अर्निंग करोगे, फुल प्रोसेस के साथ वीडियो था। पता नहीं मैं कितना पॉइंट तक गया, बट जितना पॉइंट बताया बेटर बताया। हाँ तो भाई लो, अब हमारे सामने आता है लास्ट पॉइंट। ठीक है भाई लो, लास्ट पॉइंट क्या है ना, देखो मेरा लेवलिंग चल रहा है इसलिए मैं आप लोग बता नहीं पा रहा हूँ, बट यार भाई लोग मैं जितना बताना, आप लोग अगर वीडियो को थोड़ा अच्छे से सीन करोगे ना, आप लोग समझ में आ जाएगा यार। वीडियो मानते हैं 1 घंटे के आसपास शायद लंबा हो सकता है, बट कोई नहीं, आप लोग समझ पाओगे आराम से। ठीक है, हाँ तो भाई लोग देखो, अब आप लोग क्या करना होगा, आपके मान लो आप अपने NFT को सेल करके आपका मनी बैंक पे लेना चाहते हो। ठीक है, तो NFT सेल करने से पहले बताता हूँ, आपने NFT का अगर लेवल इंक्रीज कर दोगे ना तो बेटर होगा, पर ज़्यादा सेल हो सकता है। ठीक है, मान लो आपने लेवल 5 पे खरीदे हो और 9 लेवल कर देते हो, तो आपके NFT जो है ना, आप मान लो 5 लेवल का NFT 14 पे खरीदे हो, तो आप 16 पे सेल करना। ठीक है, 16 पे सेल करना, वो इजली सेल हो जाएगा। 16 से 17 से सेल करना, वो इजली सो हो जाएगा, चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कॉम पे मत लगाना। अगर आपके पास 5 लेवल वाला है तो उसे 14 पे सेल करना। अगर आपका एफिशिएंसी रेजिलेंस अच्छा है, जैसे ही मैंने आप लोग बताया 13 से ज़्यादा का एफिशिएंसी रेजिलेंस होगा ना, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा पे सेल करना, 15-16 से ज़्यादा का बेटर रहेगा। हाँ तो पहले सेल कैसे करोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा जो रनर सेक्शन है, इस पर क्लिक करना, आपको यहाँ पे दिखा देगा सेल का ऑप्शन। सेल पे क्लिक करना, आपके NFT जो आएगा चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को प्राइस पूछा जाएगा, आप कितना प्राइस पे सेल करना चाहते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप 5 लेवल से खरीदे हो, 9 लेवल कंप्लीट किए हो, तो आप लोग क्या करना, 16 से ज़्यादा पे सेल पे लगाना। ठीक है, सेल पे लगा देना, आप लोगों का सेल 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी लेट हो सकता है, अगर लेट होता है, आप लोग जल्दी मनी का नीड है, तो आप लोग क्या करना, मान लो आप 16 सोल पे लगाए हो, तो उसे कैंसिल करके दोबारा 15.8 सोल पे लगा लेना, थोड़ा कम करके सेल हो जाएगा। ठीक है, आपके NFT सेल होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, आपके अकाउंट पे सोल टोकन, उसके बाद उस पर क्लिक करना, उसके बाद ट्रांसफर पे क्लिक करना, ऊपर सोल रहने देना, नीचे आपके जितना अकाउंट होगा ट्रांसफर कर लेना, आपका क्या होगा सोल टोकन ट्रांसफर हो जाएगा वालेट पे। उसके बाद उसी सोल को ट्रांसफर कर सकते हो कि बाइनेंस अकाउंट पे। बहुत सिंपल है, आप लोगों मैंने ऑल चीज़ बता दिया भाई लोग। वीडियो अच्छा लगे तो जस्ट लाइक कर देना।